Hello student. In today's session, we start new article from chapter semiconductor devices and it is photodiode. What is photodiode? Photodiode is a special type of p-n junction diode which convert light energy into electrical energy. It generate current when exposed to light. It is also called as photodetector or photosensor. It operate in reverse bias mode. इसका जो ऑपरेशन होता है इट इज इन रिवर्स बायस मोड द सर्किट सिंबल ऑफ फोटो डायड इज सिमिलर टू द पीएन जंक्शन डायड ओनली द डिफरेंस इज यहां पे सिर्फ लाइट इसके ऊपर गिर रही है देन स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फोटो डायोड यहां पे आप पी टाइप देख रहे हैं एन टाइप दिख रहा है दिस इज द विंडो वेयर द लाइट इज इंसिडेंट ये उसका एक्चुअल व्यू है यहाँ पे फोटो डायोड अंदर है एंड दिस इज अ ग्लास विंडो थ्रू विच लाइट कैन बी इंसिडेंट ऑन इट लेट्स सी द वर्किंग ऑफ फोटो डायोड व्हेन पीएन जंक्शन डायोड बायस बिकॉज ये बायसिंग मोड ये डायोड रिवर्स बायस में होना चाहिए तो यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड बायस अ रिवर्स सैचुरेशन करो थ्रू द जंक्शन रिवर्स करंट फ्लो होता है यहाँ पे जब रिवर्स बायस में डायोड रहेगा ये तो रिवर्स करंट फ्लो द लाइट इज नॉट देर टाइम आई एम टॉकिंग व्हेन लाइट इज़ नॉट इंसिडेंट दैट टाइम सम रिवर्स करंट इज देयर एंड दैट करंट इज कॉल्ड ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स ऑफ दिस दिस करंट इज कॉल्ड एज डार्क करंट The reverse current depends only on the concentration of minority carrier and not on the applied voltage, and it is before the incident light. So इसीलिए इसे dark current भी कहते हैं। Means light incident नहीं हुई है तो भी यहाँ पे हमें reverse current दिख रहा है and that current is called as dark current. When PN junction is illuminated with light, ठीक। है अभी अगर हम light incident कर रहे हैं इसके junction के ऊपर

so we can conclude that reverse current proportional to the intensity of incident light. so let we uh, see it by सो लेट characteristic of the photodiode. यहाँ पे आप आईवी कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं फोटोडायोड का ये रिवर्स बायस है इसलिए यहाँ पे थर्ड क्वार में हमने जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक निकाली यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं सो विद लाइट जब लाइट इंसिडेंट नहीं हुई है तो भी यहाँ पे रिवर्स करंट है एंड दैट करंट इज कॉल्ड एज डार्क करंट यहाँ पे आप डार्क करंट देख सकते हैं यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंट होती है टेन माइक्रो एम्पियर एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट दिस करंट इज इंक्रीज एंड यहाँ पे जो टोटल करंट होता है टोटल करंट ऑफ द ऑफ़

जो करंट है ये डार्क करंट है यहाँ पे जो डार्क करंट फ्लो हो रहा है जब इंटेंसिटी जीरो है जो भी डार्क करंट यहाँ पे दिख रहा है ठीक है एज वी स्टार्ट इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी इनिशियली हमें जो भी करंट कांस्टेंट मिल रहा है फॉर अ स्मॉलर रीजन एंड देन इंटेंसिटी जैसे ही बढ़ रही है देन करंट आल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड एट वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी

तो डार्क रेजिस्टेंस का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं यहां पे मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय डार्क करंट एंड रेशियो ऑफ दिस टू मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज टू डार्क करंट इज द डार्क रेजिस्टेंस उसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फोटो फोटो फोटोडायड का पहला एडवांटेज है इट हैज वेरी क्विक रिस्पॉन्स वेन एक्सपोज टू लाइट जब लाइट इंसिडेंट होती है तो इसका रिस्पॉन्स इमीजिएट होता है नो टाइम लैग बिटवीन द करंट एंड द इंसिडेंट लाइट एज द लाइट इंसिडेंट वी गेट द करंट सो लिनियर रिस्पॉन्स अगर देखेंगे ग्राफ तो रिवर्स करंट इज लिनियरली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी हमने अभी ग्राफ देखा था करंट एंड इंटेंसिटी का सो वी गेट द लिनियर रिलेशन हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन द ऑपरेशन स्पीड इज वेरी हाई अगर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है ठीक है उस लाइट को हम डिस्टर्ब करें फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड फॉर दैट वी अगर आप इसका वेट देखेंगे तो बहुत ही स्मॉलर पार्ट है वेरी वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स इसका मतलब है अगर वेवलेंथ रिस्पॉन्स देखेंगे आप इसका तो इट रिस्पॉन्ड टू दन नाइंटी नैनोमीटर मीन्स ये 190 नाइनटी नैनोमीटर यूवी लाइट का वेवलेंथ है टू दी 1100 हंड्रेड नैनोमीटर ये इंफ्रारेड लाइट का वेवलेंथ है बिटवीन दैट इट ऑपरेट सो रिलेटिवली लो कॉस्ट इसका अगर कॉस्ट वाइज हम देखेंगे तो इसका कॉस्ट बहुत ही कम है सो so, ये सारे एडवांटेजेस है फोटो डायट के नाउ लेट्स द डिसडवांटेज ऑल्सो पहला डिसडवांटेज है इट्स प्रॉपर्टीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट सिमिलर टू द अदर सेमी कंडक्टर डिवाइसेज यू नो सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीजरेचर डिपेंडेंट है सिमिलर मैनर ये फोटोडायोड भी जो भी उसके प्रॉपर्टीज है दे आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर सो लो रिवर्स करंट फॉर इल्यूमिनेशन लेवल जब लाइट इंसिडेंट होती है तो लो रिवर्स करंट ही दिखता है हमें ना इसके एप्लीकेशन देखते हैं फोटोडायोड के सो so एप्लीकेशन जो भी होते हैं सारे एप्लीकेशन एक ही प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है लाइट स्ट्राइक द फोटोडायोड आपने सब लोगों ने देखा है अगर जब हमें नोट काउंट करने है जब नोट अगर बीच में आ जाएगा जो भी फोटोडायोडर लाइट का जो सोर्स है उसके बीच में एक नोट आ जाएगा तो लाइट सोर्स लाइट का फ्लो डिस्टर्ब होगा एंड देन करंट चेंज होगा तो जो काउंटर होगा वहां पे जब करंट कितने बार नीचे जा रहा है करंट कितने बार ऊपर जा रहा है या वो मेजर करेगा अगर बिकॉज ऑफ करंसी एक बार अगर लाइट डिस्टर्ब हो गई तो करंट एक बार डिस्टर्ब हो गया करंट गोज डाउन तो ये मेजर करेगा एक सिमिलर मैनर यही प्रिंसिपल हम काउंटर में यूज करते हैं एंड फोटोडायोड से हम काउंटर जो भी है काउंट कर सकते करेंसी इट इज ऑल्सो यूज इन बगलर अलार्म आपने सर्टन मूवीज में देखा होगा जो भी चोर आता है कुछ उठाता है तो एक अलार्म बजता है तो बगलर अलार्म तो वहां पे फोटो डायोड एंड लाइट सोर्स का एक फ्लो होता है व्हेन चोर उस फ्लो से क्रॉस करेगा या डिस्टर्ब करेगा उसे तो लाइट सोर्स

फोटो सेंसर फोटो डिटेक्टर्स फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक फायर स्मोक डिटेक्टर उसमें भी फोटो डायोड यूज होता है ये बहुत सारे एप्लीकेशंस है फोटो डायोड की इस वजह से फोटो डायोड बहुत ही स्पेशल डायोड हो जाता है